नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल टॉप अर्निंग टिप्स। मैं हूं आपका दोस्त धर्मवीर सिंह। दोस्तों आज मैं आपका स्वागत करूंगा एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को कैसे रजिस्टर किया जाता है। आप घर बैठे ही इसको रजिस्टर कर सकते हैं। वैसे बिजनेस करने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और LLP, वन पर्सन कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप। ये सारे डिपेंड करते हैं, इनकी अलग अलग बेनिफिट्स भी होते हैं। लेकिन अगर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाह रहे हैं या फिर आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप नया नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए ही जाएँ। तो इसी के बारे में आज हम वीडियो बना रहे हैं और बाकी की जो कंपनी हैं या उनके जो बेनिफिट हैं वो हम आने वाले वीडियो में उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज जान लेते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है। तो आप पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले आप अपने गूगल पे जाइए। गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ लिखना होगा MSME रजिस्ट्रेशन। MSME रजिस्ट्रेशन लिखने के बाद आप इसको सर्च कर दीजिए, तो ये रिजल्ट हमारे सामने आ जाएंगे। इसमें से हम स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, तो नीचे आने के बाद हमें ये वाला दिखेगा udyogaadhar.gov.in। इस वाले लिंक पर हमको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक कर देंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने खुल के आ जाएगी। ये इस तरह से कुछ इसका इंटरफेस रहेगा, ये खुल के आ जाएगी। स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आइए। यहाँ हम आधार से इसको रजिस्टर करते हैं। तो सबसे पहले नंबर एक पर जो ऑप्शन है उसमें आपको अपना आधार संख्या लिखनी है, जो कि आधार कार्ड के ऊपर दी हुई होती है 12 अंकों की, वो आपको यहाँ लिख देनी है। जैसे ही आप आधार संख्या लिख देते हैं तो उसके बाद नीचे ऑप्शन होता है, उसमें आपको अपना नाम देना है। कंपनी का नाम नहीं देना, आपको यहाँ अपना नाम देना है। अपना नाम देने के बाद ये टिक पर क्लिक कर दें। टिक पर क्लिक करने के बाद ये नीचे लिखा है वैलिडेट एंड जनरेट OTP, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो आधार कार्ड आपने बनवाया था तो जो उस समय जो मोबाइल नंबर दिया था उस मोबाइल नंबर आपका एक OTP आएगा। उस OTP को आपको यहाँ एंटर कर देना है। हमारे पास भी चलिए OTP आ गया है, तो हम इसको यहाँ एंटर कर देते हैं। OTP लिखने के बाद वैलिडेट पर इसको क्लिक कर देते हैं। जैसे ही वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो फिर से ये इस तरह का इंटरफेस आएगा। वहाँ स्क्रॉल करते हुए नीचे जाइए, तो आपको मैं दिखाता हूँ हमारा ये वैलिडेट हो चुका है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है योर आधार हैज़ बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली। तो ये सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुका है। अब इसके बाद हमें आगे का फॉर्म भरना है। तो नंबर तीन पर आता है सोशल कैटेगरी। आप किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल में आते हैं तो उस पर क्लिक कीजिए, सामान्य से हैं तो उस पर, SC ST या जिस भी कैटेगरी से आप हैं उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद नंबर चार, उस पर आपको अपना जेंडर बताना है, यानी कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी हैं आप उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जेंडर हो जाएगा। उसके बाद पाँच नंबर पर फिजिकल हैंडीकैप्ड, अगर आप शारीरिक रूप से विकलांग वगैरह हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ अपने उद्यम यानी कि जो भी आप कंपनी का आप नाम रखना चाह रहे हैं, अपने नाम से रखना चाह रहे हैं तो अपना नाम डाल सकते हैं, किसी और नाम से रखना चाह रहे हैं तो वो नाम आपको यहाँ दे देना होगा। तो आप अपने उद्यम का नाम लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद नंबर सात पर आता है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर आपको किस तरह का है। तो वैसे तो कई सारी प्रोप्राइटरी होती हैं, जैसे हिंदू, अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप और भी कोऑपरेटिव, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी या सेल्फ हेल्प ग्रुप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या सोसाइटी या ट्रस्ट, जो कुछ भी है कर सकती है। लेकिन हम यहाँ अभी सिर्फ प्रोप्राइटरी यानी कि एकल स्वामित्व वाली कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना सिखा रहे हैं, तो हम यहाँ पर प्रोप्राइटरी को फिल कर देंगे। प्रोप्राइटरी फिल करने के बाद नंबर आठ पे आपको देना होता है अपना पैन कार्ड नंबर। तो आप यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर एंटर कर देंगे। पैन कार्ड नंबर एंटर करने के बाद आपको नीचे नौ नंबर ऊपर होगा लोकेशन ऑफ योर प्लांट, आपका जहाँ पर आप अपना माल बना रहे हैं या अपना गोडाउन या कुछ भी है आपका, तो वो जगह कहाँ पर है आपको वो सारा यहाँ देना होगा। फ्लैट नंबर, डोर, ब्लॉक, उसका एड्रेस आपको यहाँ दे देना है, लिख देना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको नेम ऑफ प्रीमाइस या बिल्डिंग या फिर विलेज या जो कोई गांव से कर रहे हैं तो गांव का नाम, या कोई बिल्डिंग है उसका मतलब नाम से है तो वो वाला नाम आपको यहाँ दे देना है। उसके बाद आपको गली नंबर या रोड नंबर, वो जो कुछ भी आपके यहाँ हो वो उसको यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद अपने क्षेत्र या स्थान डाल दें, लोकेलिटी या फिर किस एरिया में आप कर रहे हैं वो एरिया यहाँ दे देना है। उसके बाद आपको अपने शहर का नाम लिखना है और उसका पिन नंबर दे देना है, और नीचे लास्ट में उसका आपको स्टेट दे देना है, किस स्टेट में आप ये बिजनेस कर रहे हैं, और अपने ज़िले का नाम यहाँ पर डाल दें। जिले का नाम जैसे ही डालेंगे उसके बाद एड प्लांट में आ जाते हैं। एड प्लांट में
यानी कि टॉपिक नंबर 10 शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आपको देना है, जानकारी देनी है कि आप प्लान तो वहाँ हो गया लेकिन आप बिजनेस कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कम्युनिकेशन बिजनेस का कहाँ से करेंगे, आपकी ऑफिस कहाँ पर होगी, तो वो एड्रेस आपको यहाँ दे देना है। और ये किस स्टेट में है तो स्टेट का भी नाम आप दे दें, जिले का नाम दे दें, और पिन नंबर लिखने के बाद आपको अपना यहाँ मोबाइल नंबर देना होगा। मोबाइल नंबर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, राइट, सारी जानकारी आपको यहाँ बिल्कुल सही सही ही भरनी है। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस दे दें, ईमेल एड्रेस आप अपना पहले से भी हो सकता है उसको दे दें या फिर आप नया बना के भी दे सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ कमिशमेंट यानी कि आप कब से ये बिजनेस करना कर रहे हैं, तो वो डेट आपको यहाँ पर लिखने देनी है। और आपको अगर नया के स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आज की डेट भी लिख सकते हैं। उसके बाद प्रीवियस ईएमआई यानी कि आपने अब तक किसी फर्म के लिए या किसी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है बिजनेस के लिए, अगर कराया है तो आप उसके सामने टिक कर सकते हैं, अगर नहीं कराया तो एनए पर ही क्लिक रहने दें। उसके बाद आपको अपनी बैंक की डिटेल देनी होगी, उसमें आपको सबसे पहले अपना आईएफएससी कोड देना होगा जो कि आपकी पासबुक पे पहले पेज पे लिखा होता है। आपको वहाँ नहीं मिल रहा तो बैंक से पता कर सकते हैं, वहाँ भी नहीं मिल रहा तो आपको गूगल से भी आप किसी भी बैंक का आईएफएससी कोड देख सकते हैं और यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद आपको अपने बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ पर देना है, करंट अकाउंट है तो करंट, सेविंग अकाउंट है तो सेविंग, जैसा भी है उसका आपको यहाँ अकाउंट नंबर दे देना है। वैसे करंट अकाउंट ज़्यादा अच्छा रहता है तो आप करंट अकाउंट ही खुलवा लें। उसके बाद आप मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, आप किस तरह का काम करेंगे, आप कोई चीज़ बना करके उसका बिजनेस करेंगे या फिर आप सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं, तो जो भी है उस पर आपको यहाँ क्लिक कर देना है। मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस है तो सर्विस, उस पर क्लिक करने के बाद आप नेशनल इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन यानी कि NIC कोड आपको देना होगा भी, जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं उसका। अगर आपको कोड नहीं पता तो आप पता कर सकते हैं उसको, मान लीजिए हमें पता नहीं और हम गारमेंट में बिजनेस अपना करना चाह रहे हैं गारमेंट सेक्टर में लेकिन हमें उसका कोड पता नहीं, तो हम यहाँ डायरेक्ट सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पर चलिए मैं गारमेंट लिख के सर्च कर लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ गारमेंट्स। तो जैसे ही हम यहाँ गारमेंट्स लिखते हैं और इसको क्लिक कर देते हैं तो देखिए हमारे सामने कोड्स आ जाएंगे, तो ये कोड्स पे हमें क्लिक कर देना है। आप जिस इसके अलावा और भी कई क्षेत्रों में बिजनेस करना चाह रहे हैं तो वो आप 2, 4, 5 जितने भी हैं उतने आप कोड यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण सेवा, ये सारे नीचे वाले ऑप्शन हैं, आपके कोड ऑटोमेटिक ही फिल हो जाएंगे, ये आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इनको देख सकते हैं, आपने सिर्फ ऊपर वाले में कोड डाला था और बाकी के सभी कोड अपने आप हो गए हैं। तो यहाँ ऐड एक्टिविटी पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद 16 नंबर पॉइंट पर आते हैं, तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि आपकी कंपनी में या आपके फर्म में कितने लोग काम करते हैं, तो उनकी संख्या आपको यहाँ पर बता देनी है। मान लीजिए 2 कर रहे हैं तो 2, 5 कर रहे हैं तो 5, 10 कर रहे हैं तो 10, उन लोगों की आपको यहाँ संख्या लिख देनी है, जितनी भी संख्या है आपकी फर्म में कर्मचारियों की तो आपको यहाँ मेंशन कर देनी होती है। उसके बाद नंबर 17 पॉइंट पर आते हैं, तो यहाँ पर आप पे इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ आपको लाख में लिखना होता है, यानी कि आप 50,000 से कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको 0.5 लिखना होगा, अगर आप 1,00,000 से कर रहे हैं तो आपको 1 लिखना होगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं आप कितने रुपये में बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं। और आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर पर आप जिला उद्योग केंद्र यानी कि चूज DIC ही रहने दें। इसके बाद यहाँ टिक पर क्लिक कर दें, टिक पर क्लिक कर देने के बाद आपका एप्लीकेशन संख्या है यहाँ पर सबमिट जो आएगा, सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ भर के और इसको फिल कर देना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही आप करेंगे तो कुछ इस तरह का आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा, कंपनी रजिस्ट्रेशन आपका पूरा यहाँ दिखाई देगा, सर्टिफिकेट आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट करा सकते हैं, आप इसको जो चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था सोल प्रोप्राइटरी का रजिस्ट्रेशन कराना, इस तरह आप यहाँ बड़े आराम से खुद ही बिना पैसा दिए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको लिए एक GSTIN नंबर भी आपको चाहिए होता है, वो भी आपको ले लेना है। अगर आपको GSTIN नंबर लेना नहीं आता तो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं तो मैं आपको बता दूंगा बिल्कुल फ्री में आप GST नंबर कैसे ले सकते हैं। इसके अलावा हम बाकी और भी कंपनी होती हैं जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, LLP, वन पर्सन कंपनी, तो इन सब के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं उन सब के बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा जहाँ पर आप उनके बारे में सीख सकते हैं और कैसे अपने आप खुद ही इनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आज के लिए बस इतना ही, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा दें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।